बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि कंपनी अपनी जो भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं या जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती हैं, चेक्स के जरिए ट्रांजैक्शन होती हैं, उसका रिकॉर्ड कंपनी मेंटेन करती है कैश बुक के अंदर। और जब कंपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड मैनेज करती हैं तो उस रिकॉर्ड मैनेजमेंट के अंदर जो भी चेक्स आ रहे हैं वो रिकॉर्ड होते हैं चेक कैश बुक के अंदर, या जो चेक्स हमारे पास से जा रहे हैं वो रिकॉर्ड होते हैं जब हम डिपॉजिट करवाते हैं चेक्स कस्टमर के, जब हम सप्लायर को चेक्स देते हैं तो वो विड्रॉल होते हैं, ये सब का रिकॉर्ड हमारे पास कैश बुक के अंदर मैनेज किया जा रहा होता है, ऑल द पेमेंट्स एंड रिसीट्स का हिसाब। अब होता ये है कि जिस तरह हमारे पास पेमेंट और रिसीट का हिसाब मैनेज हो रहा होता है, इसी तरह हमारे बैंक के अंदर भी पेमेंट और रिसीट का हिसाब मैनेज हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ट्रांजेक्शन करता हूँ और बैंक में एक अमाउंट डिपॉजिट करता हूँ, तो जब मैं अमाउंट डिपॉजिट करूँगा तो मैं कैश बुक के अंदर उसको डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करूँगा कि मेरा कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो गया, और उसी डिपॉजिट को बैंक मेरे बिहाफ पर अपने पास बैंक के अंदर उसको क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि वो बैंक के लिए लायबिलिटी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डेबिट करता हूँ तो बैंक उसको क्रेडिट अपने पास रिकॉर्ड करेगा, और अगर मैं क्रेडिट करता हूँ तो बैंक उसको अपने पास डेबिट रिकॉर्ड करेगा। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हमारा बैंक बैलेंस कैश बुक के अंदर आ रहा होता है तो वो बैंक बैलेंस या तो पॉजिटिव आ रहा होता है या वो बैंक बैलेंस जो है हमारा वो समटाइम्स नेगेटिव आ रहा होता है। अगर पॉजिटिव बैंक बैलेंस आ रहा होता है तो इसका मतलब हम कहते हैं कैश एट बैंक पॉजिटिव है, हमारा इस वक्त अकाउंट में पैसा मौजूद है। और अगर वो नेगेटिव आ रहा होता है तो इसका मतलब है हमने बैंक से एक्सेस अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, और ये एक्सेस अमाउंट जो है हमारा वो बैंक ओवरड्राफ्ट बन गया। अच्छा जी, फिर अब हम एक नॉर्मल कैश बुक बना के देखते हैं कि एक नॉर्मल कैश बुक किस तरह से बनती है। तो उसके अंदर, उस कैश बुक के अंदर अगर हम ब्रॉट डाउन बैलेंस यहाँ पे दिखाते हैं 100 का, तो जितने भी रिसीट्स आती हैं वो रिसीट्स हमने डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड की, फॉर एग्जांपल 400 की रिसीट्स आई, और जितनी भी पेमेंट्स आती हैं वो पेमेंट्स हमने यहाँ रिकॉर्ड की, फॉर एग्जांपल 300 की पेमेंट्स रिकॉर्ड की। अब हमारे पास 500 का ये टोटल आया और 500 का ये टोटल आया हमारे पास। अब बैलेंसिंग फिगर आप देखेंगे तो 500 में से 300 माइनस किए तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास सरप्लस ज़्यादा है ना। सरप्लस हमारे पास ये है कि ये हमारा पॉजिटिव डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है, तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर बच रही है वो है कि हमारे पास इस वक्त डेबिट कैश बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है बैंक में हमारे पास 200 का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ होना चाहिए, 200 पॉजिटिव बैलेंस बैंक के पास होना चाहिए। अब होता ये है कि जब मैं अपनी कैश बुक का बैलेंस देखता हूँ, मसलन कैश एट बैंक मेरे पास मौजूद है से सपोज 200, और जब मैं बैंक का बैलेंस चेक करता हूँ, बैंक का बैलेंस हम बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करने के लिए चेक करता हूँ, तो वहाँ पर बैलेंस आ रहा है 180। अब मेरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैंने प्रॉपर अकाउंटिंग जब मैं अपने पास कर रहा हूँ, जो चीज़ मेरे पास शो हो रही है सेम बैंक के बैलेंस में भी शो होनी चाहिए, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसको मैनेज करने का नाम है बैंक रिकंसिलेशन। तो बैंक रिकंसिलेशन इसलिए करते हैं ताकि कैश बुक के दरमियान और बैंक स्टेटमेंट के दरमियान जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको एनालाइज किया जाए। फिर ठीक करने की बात नहीं कर रहे, एनालाइज करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बाज दफा एरर नहीं होते, सिंपली कुछ वजह से डिफरेंस आ रहा होता है। तो बैंक के और कैश बुक के दरमियान जो डिफरेंसेज आते हैं उन डिफरेंसेस को हम टू टाइप्स के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं कि वो डिफरेंसेस क्यों आते हैं। एक डिफरेंस वो है जिसको मैं नाम दे देता हूं कैश बुक आइटम्स, और एक वो डिफरेंसेस हैं जिनको नाम मैं दे देता हूं बैंक रिकंसिलेशन आइटम। अब कैश बुक आइटम्स वो आइटम है जो सिर्फ कैश बुक को अफेक्ट कर रहे हैं। तो वो कौन से आइटम्स हैं जिन्होंने कैश बुक को अफेक्ट किया होगा, यानी कि वो आइटम्स अगर सही रिकॉर्ड नहीं हुए तो हमारा कैश बुक का बैलेंस जो होगा वो ठीक नहीं होगा। तो उसके अंदर ये बात ध्यान में रखी जाए, कैश बुक की एक रिसीट साइड होती है, एक पेमेंट साइड होती है, सही। सबसे पहली चीज
जो नॉर्मली कैश बुक के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है वो है आपके पास स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट क्या होती है? स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट ये होती है कि हम बैंक को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप हमारे अकाउंट में से ये अमाउंट जो है वो माइनस करते हैं। बैंक हमारे कहने पर हमारे अकाउंट से ये अमाउंट माइनस कर देता है, लेकिन होता यह है कि हमने कैश बुक में वो अमाउंट माइनस नहीं किया होता। इसका मतलब बैंक में प्रॉपरली माइनस हुआ हुआ है, हमारे पास से वो पेमेंट में नहीं गया, तो हमारा बैलेंस ज्यादा शो रहा होता है। दूसरा एक एलिमेंट होता है डायरेक्ट डेबिट। हम बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप हमारे अकाउंट में से डायरेक्ट डेबिट कर दें। डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट एक ही चीज है तकरीबन। फर्क यह है कि स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर हम उसे स्पेसिफाई करते हैं कि किस चीज की पेमेंट करनी है। मसलन फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आपका अमाउंट और आपकी पेमेंट की डेट ये सब फिक्स होंगी। उसी फिक्स डेट के ऊपर आपको स्टैंडिंग ऑर्डर आपने एस्टेब्लिश किया हुआ होगा। डायरेक्ट डेबिट में भी आपने उसको पेमेंट की इंस्ट्रक्शन दी हुई है, लेकिन डायरेक्ट डेबिट के अंदर अमाउंट फिक्स नहीं होता, अमाउंट वेरी कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात कर लें इलेक्ट्रिसिटी का बिल। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल के लिए बैंक को ऑर्डर किया हुआ है कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब भी आएगा आप पे कर दें, तो वो एक डेट पे फिक्स नहीं आता, अमाउंट भी वेरी करता है। तो बैंक आपके बिहाफ पे जो पेमेंट करता है वो स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट भी हो सकती है और डायरेक्ट डेबिट भी हो सकता है। तो कैश बुक में अगर वो पेमेंट नहीं डिडक्ट हुई तो हमें एडजस्टमेंट कैश बुक में करनी होगी, और जो उसका प्रोसेस है, अगर हमें पेमेंट डिडक्ट करनी है तो हम कैश बुक के अंदर उसको पेमेंट को डिडक्ट कर देंगे। इसका मतलब है कैश बुक में क्या हो जाएगा, वो कैश बुक में करेक्शन कैसे करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। इसकी करेक्शन कैसे होगी कैश बुक में, इसको भी उठाकर हम क्रेडिट कर देंगे। मूव फॉरवर्ड, हमारे पास बाज दफा क्या होता है कि हम एक चेक जमा करवाते हैं कस्टमर का। एक कस्टमर ने हमें चेक दिया, जब कस्टमर ने हमें चेक दिया तो वो चेक हमने डेबिट साइड के ऊपर, कैश बुक की डेबिट साइड के ऊपर एज अ डिपॉजिट के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। अब उसका प्रोसेस ये होता है कि वो जो डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड हुआ हुआ है वो आपने बैंक में सबमिट किया, वो आपने बैंक में डिपॉजिट किया। बैंक का क्लियरिंग प्रोसेस होगा जिसके अंदर वो चेक जाएगा, और अगर वो क्लियर हो जाता है तो बैंक भी उसको अपने पास प्लस रिकॉर्ड कर लेगा या क्रेडिट कर देगा। लेकिन हुआ ये कि बैंक ने उसको मार्क किया नॉट सफिशिएंट फंड, और बैंक ने उसको मार्क कर दिया कि ये क्या हो गया, ये रिटर्न हो गया, ये डिसऑनर्ड हो गया, रिटर्न हो गया चेक। अब रिटर्न हो गया है तो हमने तो कैश बुक के अंदर उसको डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ, तो उसकी करेक्शन क्या होगी, हम कैश बुक में उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे। और अगर हम कोई हमें कोई नया चेक मिलेगा तो अल्टीमेटली फिर हम उस नए चेक को दोबारा डेबिट करेंगे। इसी तरह बाज़ दफा ये होता है कि हमने कस्टमर को इंस्ट्रक्शन दी भी होती है कि वो हमारे अकाउंट के अंदर डायरेक्ट डिपॉजिट कर देता है, इसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांसफर। तो हमारे अकाउंट में किसी ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया। जब किसी ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया तो बैंक ने क्या किया होगा, बैंक ने हमारे अकाउंट में प्लस कर दिया होगा या क्रेडिट कर दिया होगा, हमें पता नहीं है। तो हम कैश बुक के अंदर उस एलिमेंट को उठाकर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, या उस एलिमेंट को उठा के अपने पास डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे एंड से प्रॉब्लम है, ये बैंक के एंड से प्रॉब्लम है। इसका मतलब है जो प्रॉब्लम हमारे एंड से हो रही है उसको हमें कैश बुक के अंदर एडजस्ट करना है, डेबिट करना है या क्रेडिट करना है अकॉर्डिंगली। इसी तरह बैंक चार्जेस, ATM पे अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके चार्जेस, बैंक से कोई चेकबुक लेते हैं तो उसके चार्जेस। तो बैंक चार्जेस फॉर एग्जांपल, बैंक तो इमीडिएटली डिडक्ट कर लेगा, लेकिन वो बैंक चार्जेस हमने डिडक्ट नहीं किया। तो हमने वो बैंक चार्जेस असल में डिडक्ट नहीं किए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैश बुक के अंदर वो क्रेडिट कर देने चाहिए या डिडक्ट करने चाहिए, क्योंकि हर पेमेंट को हम क्या करते हैं, कैश बुक के अंदर डिडक्ट करते हैं या क्रेडिट कर रहे हैं। उसके बाद एक कॉमन सा एरर होता है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम जो चीजें डील कर रहे हैं उसके अंदर हम एरर्स और ओमिशंस की बात कर रहे हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो ओमिशंस की बात हो रही थी कि एक चीज रिकॉर्ड नहीं हुई।
अब हम बात करते हैं, एक चीज रिकॉर्ड तो हुई कैश बुक में लेकिन गलत रिकॉर्ड हो गई, तो अब हम एरर्स की बात करते हैं। तो जब हम एरर्स की बात करते हैं तो दो तरह के एरर्स कॉमन है। एक को हम कहते हैं अंडरकास्टिंग एरर, और एक को हम कहते हैं ओवरकास्टिंग एरर। अच्छा, अंडरकास्टिंग एरर जो होता है, अंडरकास्टिंग एरर ये होता है कि आपने एक चीज, चाहे वो डेबिट की हो या क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड की हुई हो, वो कम अमाउंट से रिकॉर्ड की हुई। सो अंडरकास्टिंग एरर डेबिट साइड पे भी हो सकता है और क्रेडिट साइड पे भी हो सकता है। जो ओवरकास्टिंग एरर होता है, ओवरकास्टिंग एरर ये होता है कि आपने डेबिट साइड के ऊपर ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया या आपने क्रेडिट साइड के ऊपर ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि आपने रिसीट्स को ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया या आपने रिसीट्स को, पेमेंट्स को ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, तो दोनों साइड पे एक्सेस रिकॉर्ड करना, तो यहां पर शॉर्टफॉल आ रहा होगा और यहां पर एक्सेस रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब इसकी करेक्शन किस तरह से करेंगे? सो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि डेबिट साइड पर आपको एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी थी 58 से, डेबिट साइड पे एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी थी 58 से। अच्छा, हमने उस डेबिट साइड की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया एज 85, लेकिन किया डेबिट साइड के ऊपर ना, राइट, डेबिट साइड करना था, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया, तो हम कहेंगे कि ये 17 का डिफरेंस जो है उससे डेबिट साइड ओवर स्टेट हो गई। सो अगर डेबिट साइड ओवर स्टेट हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये ओवरकास्टिंग एरर है, और ये ओवरकास्टिंग कहां पर हुई है? ये ओवरकास्टिंग हुई है डेबिट साइड के ऊपर। अच्छा, जहां ओवरकास्टिंग होगी, अब ओवरकास्टिंग हो गई, कैश बुक डेबिट ज्यादा हुआ हुआ है, तो उसकी करेक्शन ये होगी कि हम कैश बुक में इस एरर को ठीक किस तरह से करेंगे कि अगर डेबिट साइड पे ओवरकास्टिंग हुई है तो हम डिफरेंस निकालकर क्रेडिट साइड के ऊपर 17 डाल देंगे, तो ये हमारी एडजस्टमेंट हो जाएगी। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड के ऊपर हमने रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड के ऊपर हमें 23 रिकॉर्ड करना था, हमने क्रेडिट साइड के ऊपर एक पेमेंट को 32 रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब ये डिफरेंस आया 9 और क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हुई हुई, तो हम डेबिट साइड के ऊपर इस एरर को ठीक कर देंगे, डेबिट साइड पे 9 डाल देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। और इसका मतलब ये हुआ कि ओवरकास्टिंग एरर जो भी होगा, जब भी ओवरकास्टिंग होगी, ओवरकास्टिंग डेबिट साइड पर हो या क्रेडिट साइड के ऊपर हो, उसको हम ऑपोजिट साइड से डिफरेंस लेके एडजस्ट कर देंगे। इसी तरह जब हम अंडरकास्टिंग एरर की बात करते हैं, तो से सपोज मुझे डेबिट करना था एक आइटम एज 100, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक उसको डेबिट तो किया लेकिन कम से डेबिट किया। सो दैट मींस 100 से डेबिट करना था, 10 से डेबिट किया, तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 90 का। दिस इज अंडरकास्टिंग एरर। अब अंडरकास्टिंग एरर हम ठीक करेंगे, सेम साइड पे ट्रीटमेंट होगा। सेम साइड का मतलब है डेबिट साइड पे अंडरकास्ट हुआ है तो हम कैश बुक को डेबिट कर देंगे 90 से, तो ये हमारी करेक्शन हो जाएगी। इसी तरह आपके पास अगर अंडरकास्टिंग एरर क्रेडिट साइड पर हो रहा है या अंडरकास्टिंग एरर जो है वो पेमेंट साइड के ऊपर हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमने एक पेमेंट रिकॉर्ड की एज 25, एक्चुअल पेमेंट जो थी हमारी वो थी 55, तो पेमेंट साइड 55 से क्रेडिट होनी चाहिए थी, हमने 25 से क्रेडिट कर दी, तो हम 30 का जो डिफरेंस है
वो निकाल कर उसको कैश बुक के अंदर, क्योंकि पेमेंट साइड पर अंडर कास्ट हुआ है, तो क्रेडिट कर देंगे बाय 30, तो हमारी कैश बुक जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। बताने का मकसद ये है कि जब हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि कैश बुक और बैंक बैलेंस में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस आने का जो रीज़न है वो रीज़न हमारा सिमिलरली कैश बुक भी हो सकती है और वो बैंक के इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर वो कैश बुक के रीजन्स हैं तो उन रीजन्स को मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, डायरेक्ट डेबिट, डिसऑनर्ड चेक, क्रेडिट ट्रांसफ़र, बैंक चार्जेस, अंडर कास्टिंग एरर, ओवर कास्टिंग एरर, जहां मुझे कैश बुक में एरर नज़र आएगा उसके अंदर मैं उस कैश बुक को एडजस्ट करूंगा। अब मुझे फॉर एग्जांपल बैलेंस दिया हुआ, अब मुझे बैलेंस दिया हुआ, बैलेंस एट बैंक, यानी ये कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का मुझे बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस एट कैश बुक दिया हुआ है मुझे 250, और वो उसमें एरर्स हैं, तो मैं उसको कहूंगा इट्स एन अनएडजस्टेड बैलेंस। अनएडजस्टेड बैलेंस, अब अनएडजस्टेड बैलेंस होगा तो उसका तरीका क्या है, उसको एडजस्ट करने के लिए हम कैश बुक दोबारा कंस्ट्रक्ट करेंगे। अनएडजस्टेड बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो उसको डेबिट साइड पे हमने लिखा, उसमें करेक्शन की, जो डेबिट साइड वाली करेक्शन है डेबिट साइड पे, जो क्रेडिट साइड वाली करेक्शन है क्रेडिट साइड के ऊपर, और एक बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो बैलेंस हमारे पास आएगा ये कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस कहलाएगा, यानी कि हमने कैश बुक के अंदर जो एरर्स और ओमिशंस थे वो एडजस्ट करके एक बैलेंस फाइंड आउट कर लिया। अब हम बैंक को ये कहेंगे कि दिस इज द करेक्ट बैलेंस, ये हमारे एंड से करेक्ट बैलेंस है। अब बैलेंस एट बैंक में अगर बैलेंस सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रॉब्लम हमारे एंड से रिजॉल्व हो गई है और प्रॉब्लम चली गई है बैंक के एंड के ऊपर। तो जब भी हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन परफॉर्म करते हैं तो उस बैंक रिकन्सिलिएशन को मैं दो स्टेप्स के अंदर तोड़ देता हूँ। पहला स्टेप ये होता है कि हम अपनी कैश बुक को एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट कैश बुक। दूसरा स्टेप ये होता है कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो कैश बुक को जब हम एडजस्ट करेंगे तो उसमें कौन से आइटम्स लेंगे, उसमें हम लेंगे वो कैश बुक के एरर्स और ओमिशन जिन्होंने कैश बुक को अफेक्ट किया, उससे एडजस्ट करेंगे। वंस वो एडजस्ट हो गए तो अब हमें ये देखना है कि एडजस्ट होने के बाद एडजस्टेड कैश बुक और फॉर एग्जाम्पल हमारी एडजस्टेड कैश बुक आ गई 160 और बैंक स्टेटमेंट का हमने बैलेंस फाइंड आउट किया तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ रहा है 180। फिर हम कंफ्यूज हो गए कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैश बुक एडजस्ट हो गई है तो डिफरेंस आने का रीज़न ये होगा कि आपके बैंक स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। अब उसको आप ठीक कैसे करेंगे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो रिकॉल हो जाए। तो स्टेप नंबर वन, कैश बुक को एडजस्ट करें और उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएं। लेकिन ये स्टेप प्रॉपर स्टेप्स हैं, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको पहले वन स्टेप करना और दूसरा स्टेप करना, वो तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए पहले हम समझते हैं कि बैंक रिकन्सिलेशन आइटम्स कौन से होते हैं, ताकि हमें पता हो कि अगर सवाल के अंदर सारे आइटम्स मिक्स हुए हुए हैं तो कौन सा बैंक रिकन्सिलेशन आइटम है, कौन सा कैश बुक आइटम। सो बैंक रिकन्सिलेशन आइटम मैं दो टाइप्स में क्लासिफाई करता हूँ, एक होते हैं बैंक एरर और दूसरे होते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस। जो हमारे पास बैंक एरर है वो एरर ये है कि बैंक ने बाय मिस्टेक हमारे अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट कर दिया, कोई एरर बैंक ने इंटेंशनली किया जिससे मेरे अकाउंट में बाय मिस्टेक कोई अमाउंट प्लस हो गया, कोई अमाउंट माइनस हो गया। टाइमिंग डिफरेंसेस जो होते हैं वो बहुत कॉमन है और दो तरह के टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं, एक को हम कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स और अनक्लियर चेक्स, और दूसरे को हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स।
इनके मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, कॉमन टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल होती है, अनक्रेडिटेड चेक्स और अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब इन्हें टाइमिंग डिफरेंस क्यों कहा जाता है और इन्हें एडजस्ट कैसे करते हैं? जहां तक अनक्रेडिटेड चेक्स की बात है, अनक्रेडिटेड चेक्स का मतलब ये होता है, अ चेक हैज बीन डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक कस्टमर का चेक आया और उस चेक को हमने कैशबुक में डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक के क्लियरिंग प्रोसेस में, बैंक का जो यूजुअली क्लियरिंग प्रोसेस होता है, उस क्लियरिंग प्रोसेस के अंदर चेक क्लियर होने के लिए 2 से 3 दिन रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने चेक डिपॉजिट करवा दिया है और कैश बुक के अंदर उसको हमने डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया है, हमने कैश बुक को डेबिट कर दिया है, लेकिन बैंक अपने पास उसको क्रेडिट उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक वो क्लियरिंग प्रोसेस में 2 या 3 दिन के बाद क्लियर ना हो जाए। सो मीन टाइम हमारे पास एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा कि हमने प्लस किया हुआ है, हमारा बैलेंस ज्यादा है और बैंक के पास बैलेंस कम आ रहा है, लेकिन जैसे ही 2 या 3 दिन गुजरेंगे और चेक लेजिटिमेट हुआ, प्रॉपर हुआ, तो बैलेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा। तो कोई भी डिपॉजिट जो हम करवा चुके हैं और बैंक ने नहीं किया अभी तक क्लियर, उसको हम कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्लियर्ड चेक्स भी कह सकते हैं, और उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। बाज जगह पर उसको लॉजमेंट्स भी कहा जाता है कि लॉजमेंट्स जहां पर वो मेंशन करेगा इसका मतलब डिपॉजिट्स। तो लॉजमेंट्स का मतलब है डिपॉजिट्स तो हुए हैं लेकिन डिपॉजिट्स अभी क्लियर नहीं हुए, हमारे डिपॉजिट्स हैं, राइट। दूसरा जो टाइमिंग डिफरेंस होता है अनप्रेजेंटेड चेक्स, बहुत कॉमन है। अनप्रेजेंटेड चेक्स की डेफिनेशन क्या होती है? अनप्रेजेंटेड चेक्स की डेफिनेशन यह होती है कि हमने चेक किसी को दे दिया, चेक इशू टू सप्लायर, तो सप्लायर को हमने चेक क्यों दिया होगा, क्योंकि हमें पेमेंट करनी होगी, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन सप्लायर ने अभी हमारे अकाउंट से पेमेंट नहीं डिडक्ट करवाए। मतलब इसकी एग्जांपल ऐसी है कि तुमने मुझे चेक दिया या किसी ने मुझे चेक दिया पेमेंट का, वो अपने पास से पेमेंट माइनस कर देगा, लेकिन मैंने अब तक उस पेमेंट को बैंक से विड्रॉ नहीं करवाया। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स, और इसको आउटस्टैंडिंग चेक्स भी कहते हैं। तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि जब हमने चेक इशू किया, तो चेक इशू करते वक्त हमने कैश बुक के अंदर उसको क्रेडिट कर दिया होगा, यानी कि हमने उसको पेमेंट दिखा दिया माइनस, बैंक उसको उस वक्त तक हमारे अकाउंट में से डेबिट नहीं करेगा जब तक वो काउंटर के ऊपर प्रेजेंट होके क्लियरिंग प्रोसेस से निकल ना जाए। तो ये कितने दिनों में होगा? कुछ दिनों में हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, ऑटोमेटिक बैलेंस क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा। इसलिए हम इन दोनों चीजों को क्या कहते हैं कि ये दोनों चीजें टाइमिंग डिफरेंसेस में आती हैं, और टाइमिंग डिफरेंसेस में हम कुछ नहीं कर सकते, टाइमिंग डिफरेंसेस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। हाँ, अगर बैंक एरर होता है तो फिर हम बैंक को इंटीमेट करेंगे या बैंक खुद सही कर देगा, तो उसको प्लस या माइनस करना हमें करके दिखाना है। अच्छा, बैंक रिकंसिलेशन जो सेकेंड स्टेप है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना, वो हम बनाते हैं ताकि हम अपने एंड से ये आइडेंटिफाई कर लें कि बैलेंसेस के रीजन क्या है। तो एक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट टिपिकल किस तरह से बनाया जाता है, सेकेंड स्टेप है कैश बुक बनाने के बाद, फिर हम जब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने जाएंगे तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूजुअली बनाया जाता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का, उस पर हम लिखते हैं सबसे पहले बैलेंस एट बैंक। बैलेंस एट बैंक का मतलब है वो बैलेंस जो हमें बैंक बैलेंस से पता लगा है, जो बैंक स्टेटमेंट से पता लगा, बैलेंस एट बैंक। फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस एट बैंक इज 500। फिर हम इस बैलेंस एट बैंक को कंपेयर करते हैं इसके साथ बैलेंस एट कैश बुक। कैश बुक में बैलेंस आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 600 का। अब ये डिफरेंस हमें समझ नहीं आ रहा, अच्छा ये जो बैलेंस होना चाहिए ये एडजस्टेड होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये एडजस्टेड कहाँ से आया होगा, ये एडजस्टेड स्टेप नंबर 1 से निकाल के हमने यहाँ पे डाला होगा। स्टेप नंबर 1 अगर नहीं हुआ तो स्टेप नंबर 2 नहीं कर सकते।
तो ये एडजस्टेड बैलेंस हमने यहाँ पर प्लस माइनस करके निकाल लिया। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसके अंदर रीजन क्या हो सकता है, उसके अंदर एक बैंक एरर हो सकता है, मैंने अभी बैंक एरर रेज्यूम नहीं किया, तो उसके अंदर एक अनप्रेजेंटेड चेक हो सकता है और अनक्लियर हो सकता है। सपोज एक अनप्रेजेंटेड चेक है, तो मैं अनप्रेजेंटेड चेक को जब वो प्रेजेंट हो जाएगा तो बैंक उसको माइनस करेगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे अनप्रेजेंटेड चेक्स प्रेजेंट हो गए, सही है, तो हमारे अनप्रेजेंटेड चेक्स जो थे वो प्रेजेंट हो गए और हमारे पास 200 के अनप्रेजेंटेड चेक्स थे वो प्रेजेंट हो गए। अच्छा, उसके बाद हमारे कुछ अनक्रेडिटेड चेक्स थे जो कि अभी क्लियर नहीं हुए, हमें एज्यूम कर लेंगे कि वो अनक्रेडिटेड चेक्स भी क्लियर हो गए, तो वो अनक्रेडिटेड चेक्स हमने यहाँ पर डाल दिए। अब हम इसको चेक करते हैं, 500 माइनस 200 300, 300 प्लस 300 600, टाई हो गया बैलेंस। इसका मतलब है हमारे और एडजस्टेड बैलेंस के दरमियान जो डिफरेंस था वो सिर्फ इस एग्जांपल में मैंने टाइमिंग डिफरेंस डाला है अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो अगर मैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाता हूँ और उसको स्टार्ट करता हूँ बैलेंस एट बैंक स्टेटमेंट, तो बैलेंस एट बैंक स्टेटमेंट में मुझे अनप्रेजेंटेड को हमेशा क्या करना है, माइनस करना है, और अनक्रेडिटेड को हमेशा प्लस करना है, अगर ये इस तरह से बनाया जाए तो। अब बाज दफा ये प्रॉब्लम होती है कि बैलेंस पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर होता है तो उसमें तरीका ये है कि बैलेंस एट बैंक स्टेटमेंट में अगर आपको लिखा हुआ मिल रहा है डेबिट बैलेंस है, या लिखा हुआ मिल रहा है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, तो मैंने पहले ही बताया था कि हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस इज अ पॉजिटिव बैलेंस, और अगर डेबिट बैलेंस बैंक के पास मौजूद है तो इट्स अ नेगेटिव बैलेंस। सिमिलरली अगर आपका कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ, आपने कैश बुक का बैलेंस निकाला, तो वो हम टी अकाउंट से अगर निकालते हैं तो डेबिट क्रेडिट इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। मसलन फॉर एग्जांपल, ये हमारा टी अकाउंट बना हुआ है कैश बुक का, और ये एडजस्टेड बैलेंस अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ये क्या होगा, ये जो है वो डेबिट बैलेंस है, और अगर यही बैलेंस जो मेरा बचता है इसको मैं लिखूंगा कि यहाँ पर है तो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस होगा। अब नेक्स्ट हमारे इसके अंदर डिस्कशन होगी कि हम क्वेश्चन किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ये पूरा एक मैकेनिज्म है, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखेंगे किस तरह से सवाल